नॉकआउट कर देगा। सो फैनाटिक वर्सेस का सोल की स्क्वाड हमें जल्द से जल्द फाइट लेते देख जाएंगे। एक प्लेयर को नॉकआउट कर देगा तो अमन को रिवाइव मिल सकता है। तो ये फाइट देखने के लिए हम बेकरार थे क्योंकि दोनों ही फैन बेस जो है वो दोनों स्क्वाड के काफी अलग है। सो फैनाटिक वर्सेस सोल की फाइट जो है हमें देखने को मिल जाएगी। स्काउट जो है क्लोजिंग करने का ट्राई किया, ऑफकोर्स उन्होंने एक किल किया, नेड करने का ट्राई करे, जंप करके नेड किया जो कि थोड़ा बहुत दूर जा सके, मॉली कर दिया, क्लोज इन कर रहे हैं, बाकी के प्लेयर्स का भी बैकअप आना है। रौनक जो है स्लैम इन करते दिख जाएंगे हमें। स्काउट ने एक किल नॉकआउट किया तो जरूर भाई वो चाहेंगे कि रश करें। यहाँ पे सांगवान ने रिवाइव कर दिया। अमन की काफी लो एचपी है, तीनों के तीनों प्लेयर्स एक ही घर में है। सो योडो के ड्रैक्स ने यहाँ पे 88 के कोकोनट को नॉकआउट कर दिया गया। सो दिस विल बी अ प्रेटी ग्रेट फाइट। बाकी के दो प्लेयर्स को भी ज्वाइन हो जाना चाहिए। वेर इज रेगल तो ओके, सो रेगल तो थोड़ा बहुत दूर है। सो रेगल तो उसकी तरफ से मेरे हिसाब से कुछ कवर देखने को मिल सकता है। सांगवान ने यहाँ पे रौनक को नॉकआउट कर लिया गया। सो लेट्स सी क्या हालचाल चल रहा है यहाँ पे फिलहाल के लिए। साउथ यहाँ पे स्पॉट करते देख रहे हैं, साउथ ट्राई किया। अमन यहाँ पे घर के तरफ है, दोनों ही टीम के प्लेयर्स जो है ट्रेड लेने का ट्राई कर रहे हैं। सांगवान स्पॉट हो चुका है, नेड करते दिख जाएंगे। स्मोक किया है, फेक स्मोक जो है, फेक नेड जो उन्होंने किया काफी बढ़िया था ये स्काउट की तरफ से। अब सांगवान जो है ब्रोकन वॉल पे आ चुके हैं, अमन भी जो है घर के तरफ आ गए हैं फिलहाल। सांगवान ने मॉली कर दिया गया है, उसके ऊपर एक हेडशॉट रेगल तो बाकी रहेगा। ये पंच में जो है काफी बढ़िया खेला स्काउट ने। स्काउट ये पैनिक नहीं हुए, ये सिचुएशन पैनिक होना बहुत दिक्कत आ सकता है। तो स्काउट फिलहाल रेगल तो उनके ऊपर शॉट देते दिख रहे, तो ये कवर जरा रेगल तो उसके तरफ से थोड़ा बहुत पहले आ गया रहता तो काफी अच्छा रहता। तो ये चीज थोड़ी बहुत इंप्रूव करती है सबकी सब स्क्वाड्स को। वी लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स गाइस, तो ये चीज ध्यान में रखनी यार। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी स्क्वाड यहाँ पे परफेक्ट नहीं होती, हर चीज होती रहती है। अमन नॉक्ड आउट है, रेगल तो इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग। सो लेट्स सी रेगल तो क्या करते हैं, कहाँ तक ले जाते अपनी टीम को। और खड़े हो चुके हैं तो दिक्कत आ सकती है, स्काउट के ऊपर शॉट आ सकता है 14 मीटर्स टू द जोन फिलहाल के लिए। सो प्रीटी इंटेंस मोमेंट फॉर टीम फनाटिक एंड टीम यूरो एंड टीम वाओ नीरो काफी बढ़िया मैन एडवांटेज ना होने के बाद भी काफी बढ़िया खेल रहे। जोन में आ जाएंगे फनाटिक के स्काउट, अब काफी अच्छा उनके पास बुश का जो है वो बुश से हाइड हो जाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। सैब्रोल को फाइट ले चुके हैं, योडो वर्सेस टीम वाओ नीरो की फाइट हो चुकी है। योडो के प्लेयर ने एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, नो वर्सेस द लास्ट गाइस स्टैंडिंग। सो दोनों की दोनों स्क्वाड यहां पे केपेबल है आराम से 1v4 करने के लिए या फिर 1v2 या फिर 1v1 करने के लिए। नो वर्सेस द लास्ट गाइस स्टैंडिंग फ्रॉम टीम वाओ नीरो, ओएस तो है काफी क्लोज है, जोन नेक्स्ट बन चुका है। तो लेट्स सी अब ये लास्ट जोन रहेगा, हमें हिल बैटल भी देखने को मिल सकती है इस जोन में और काफी सही फाइट हमें देखने जरूर मिल जाएगी। सो टीम वाओ नीरो वर्सेस टीम योडो वर्सेस टीम फनाटिक, सन्नाटा छाते दिख रहा है हमें। मैन 4 PM ने ओके सो रिवाइव देने की ट्राई कर रहे हैं। नो मर्सी यहाँ पे जैब्रोल को नॉकआउट किया, ऑलमोस्ट नीड आउट हो जाएगी पर मॉस के जैब्रोल को भी स्पॉट कर लिया गया और इसी के साथ जो है पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट होते दिख रही है। सो योडो की हांग ने काफी बढ़िया किया। जंपर लेट्स सी जंपर क्या स्पॉट कर पाते हैं कि नहीं। लास्ट जोन है, जोन श्रिंकिंग होने की 10th जोन है, जोन श्रिंकिंग होने वाला है। अभी जोन जो है फनाटिक के ऊपर जरा भी नहीं है तो योडो गैंग लेट्स सी कैसा करते हैं। जोन श्रिंकिंग होता दिख रहा है, स्काउट ने स्पॉट कर लिया है, योडो का लास्ट बंदा बाकी रहता है, स्काउट नॉकआउट है। रौनक और ओवेस क्लोजिंग कर रहे हैं, लेट्स सी क्या करते हैं यहां पे योडो के लास्ट में और स्पॉट हो चुके हैं। इसी के साथ फनाटिक का चिकन डिनर आ चुका है।